नमस्कार, मैं हूं कैप्टन किशोर और आप देख रहे हैं द स्टार न्यूज का वेब टीवी। आम आदमी पार्टी में पंजाब के टिकट घोषित किए जाने के बाद पैदा हुए हालात दिन ब दिन पेचीदा होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी नेताओं द्वारा पंजाब में लगाए गए ऑब्जर्वरों पर अय्याशी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वालों की बात सुनने की बजाय उन पर कार्रवाई कर दी गई है। पंजाब के कन्वीनर द्वारा उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए जाने से आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों पर सवाल उठने लगे हैं। हुशियारपुर से संबंधित दो नेताओं एडवोकेट नवीन जैरत, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, तथा वीरेंद्र परिहार, जो कि फंड रेजिंग कमेटी देखते थे, पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी कन्वीनर गुरप्रीत सिंह बड़ाच उर्फ कुगी ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का आदेश सुनाया है। प्रेस विज्ञप्ति में कुगी का कहना है कि पार्टी वॉलंटियर्स के साथ चलती है, परंतु अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडवोकेट नवीन जैरत का कहना है कि वे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं तथा गुरप्रीत सिंह कुगी उन्हें कैसे निकाल सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है, आने वाले समय में वो बहुत कुछ सामने लाएंगे। दूसरी तरफ वीरेंद्र परिहार का कहना है कि वो तो काफी समय से पार्टी को छोड़ चुके हैं तथा वे आप में चल रहे भ्रष्टाचार संबंधी केजरीवाल को पहले भी सुचेत कर चुके हैं, परंतु दुख की बात है कि केजरीवाल द्वारा पंजाब में लगाए गए ऑब्जर्वरों पर कार्रवाई के स्थान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वालों को ही बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। परिहार का कहना है कि जल्द ही वे आप नेताओं पर लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक करेंगे। मिली है कि कोई मेल आई है जो पंजाब के कन्वीनर हैं सरदार गुरप्रीत सिंह घुग्गी बड़ैच जी की, मेरे को और एक शायद कोई मिस्टर वीरेंद्र परिहार है, उनको पार्टी से आज सस्पेंशन या निष्कासित किया गया। मेरे को पर्सनल तौर पर तो इसकी जानकारी नहीं है। अगर ये बात सच है, अगर मैं सच मान के भी चलूं, तो मेरे को हैरानी इसलिए आती है कि गुरप्रीत सिंह घुग्गी कौन होते हैं इस चीज़ को। वो मेरे ख्याल से पार्टी का संविधान शायद उन्होंने नहीं पढ़ा कि मैं फाउंडर मेंबर हूँ, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ, मेरे को अंदर रखना या बाहर करने का जो निर्णय जो लेना है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय बॉडी ले सकती है। मेरे को गुरप्रीत घुग्गी तो आज पार्टी में आए हैं, मैं तो फाउंडर अन्ना आंदोलन से इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। अब पार्टी ने क्या, अगर ये बात सच है तो पार्टी का नोटिस अगर कोई आता है तो भी मैं जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ठीक है, कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा ज़्यादा खुल के बोलने लग गया था। रविंद्र भाई को भी मैंने कुछ प्रश्न, उनको सितंबर अक्टूबर में मैं मिला था जब से चीफ मिनिस्टर बने थे, एक्सेप्ट फ्रॉम माई नेशनल काउंसिल मीटिंग, मैं कभी उनसे मिला नहीं था। तो पंजाब में काफ़ी गड़बड़ चल रही थी, खास तौर पे होशियारपुर में, होशियारपुर जोन में। तो मैं अरविंद भाई के संज्ञान में ये सारी बातें लाया था कि जब मैं सितंबर अक्टूबर में लुधियाना में मिला, कि और अरविंद भाई ने बड़े जोर से मेरे को गले लगाया और बड़ा अच्छा मेरे को आश्वासन दिए थे, और मेरे को लग रहा था कि पंजाब में जो गड़बड़ भी चल रही है वो निचले लेवल के कुछ ऑब्जर्वर्स या पंजाब की बॉडी के जो लोग अरविंद केजरीवाल की बैक पे कर रहे हैं, उनकी पीठ पीछे कर रहे हैं गलत काम। तो अरविंद भाई ने जब गले लगाया तो बड़ा अच्छा लगा कि अरविंद भाई के नॉलेज में, ऐसा लगा कि उनकी नॉलेज में ही कुछ नहीं है। लेकिन वही बातें जो सितंबर अक्टूबर में मैं कही थी, वही बातों की ध्यान देने की बजाय उन ऑब्जर्वर्स जिन पे वीरेंद्र परिहार ने ओपनली एलिगेशन लगाए हैं कि वो शराबी हैं, वो कबाबी हैं, उनका करैक्टर अच्छा नहीं है, आप उसकी जाँच करते। जांच करने से पहले अगर मेरे पे भी कुछ ऐसी बात थी कि मैंने भी ये कहा कि वीरेंद्र परिहार के आरोपों की जांच होनी चाहिए, तो अरविंद भाई आप भी तो यही कहते हो जब कोई नितिन गडकरी का घोटाला आप लाते हो, कभी आप रॉबर्ट वाड्रा का लाते हो, कभी आप मजीठिया का कहते हो नशे का तस्कर, वीरेंद्र परिहार भी उनको नशे का कह रहा है, तो उसमें जाँच में क्या हर्ज। मैंने तो ये पार्टी के खिलाफ अगर उनको ये बात लगी तो मेरे को दुख है, लेकिन मैं सच नहीं छोड़ूंगा। गुरप्रीत घुग्गी बड़ैच के निकालने से मैं पार्टी से निकला अभी तक नहीं मानता। जब यही स्टेटमेंट पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता दे देंगे कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है, अभी भी मैं घर की बात घर में रखना चाहता हूं। शायद एक दो दिन में अगर वो बात सच हुई मुझे निकालने वाले की, राष्ट्रीय नेता कहेंगे कि मुझे पार्टी से निकाल दिया, फिर मैं आपके सामने खुल के आऊंगा, सारी बातें करूंगा। पार्टी में बहुत कुछ गलत हो रहा जिसके बारे में मैं इनको, दुर्गेश पाठक को, अरविंद केजरीवाल को काफ़ी समय से, लंबे समय से और नेताओं को बोलता रहा हूँ कि आपके जो यहाँ भेजे हुए ऑब्जर्वर हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, मनमानियाँ कर रहे हैं, नशेड़ी हैं, नशे कर रहे हैं, नशे भी गलत नशे करते हैं, लोगों को ठग रहे हैं, टिकटों को लालच देके उनको, उनके पैसे बटोर रहे हैं, पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा है, मेरे को जो पार्टी से निकाल दिया, मैं तो पहले ही पार्टी 2 महीने से ही पार्टी को अलविदा कह चुका हूं, और ये जो इनके ऑब्जर्वर्स के खिलाफ थोड़ी सी भी शिकायत भी कर दे
तो इनका स्टाइल ही है केजरीवाल जी का, उसको पार्टी से निकाल देते हैं। कल केजरीवाल जी को कल दोबारा खत लिखा था, एक 10 दिन पहले भी लिखा था कि मैं सबूतों के साथ कहता हूं कि आपके जरवर भ्रष्टाचारी हैं, निशेड़ी हैं, ठग हैं, और मेरी बात सुनिए, मेरे से आके सबूत देखिए। 10 दिन पहले वाले लेटर का कोई जवाब नहीं आया, और कल जो मैंने फिर लिखा इनको, जनतक किया, न्यूज मीडिया के थ्रू इनको बताया, तो फिर भी कोई जवाब नहीं। कल मैंने इनको ये कहा था कि केजरीवाल जी, मेरे को अपनी आपकी रैली हो रही है हुशियारपुर में, मेरे शहर में, मैं वहां पूरी जनता को आपके और आपके ऑब्जर्वर्स के बारे में, जो आपने दुर्गेश पाठक की कमांड में यहां भेजे हुए हैं, ये मेरे इसी फार्म हाउस पे रहे हैं वो, मैं उनके बारे में सब जानता हूं, बहुत गलत काम हुए हैं, और उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी जनता को बताना चाहता हूं, पूरी रैली में ही मेरे को वो सामने सच उजागर करने की इजाजत दीजिए। टिकट तो मेरे को पता है कि 9 महीने पहले ही डिसाइड हो गई थी, मेरे को टिकट ना मिलने का कोई गम नहीं है, गम है तो किसको टिकट मिली, जो पार्टी में नहीं था, टिकट लेके फिर पार्टी ज्वाइन की। पता नहीं ये सुन रहा है, पता नहीं कितने करोड़ दे गया, चलो अमीर आदमी है, 10 करोड़ साल का टैक्स देता है वो, तो उसके पास तो पैसे की कमी नहीं। ऐसे लोग इनको चाहिए जो पार्टी में घस गए, हम तो घस गए पार्टी के लिए, हमने दूसरी पार्टी वाले इतने इतने बड़े लोगों से लोहा लिया इस पार्टी के लिए, हमने दुश्मनियां पैदा अपने लिए मोल ली इस पार्टी के लिए कि देश का पंजाब का कुछ भला हो जाता है। हम इस पार्टी में इसलिए आए थे कि ये भ्रष्टाचार खत्म करेगी, पर ये अपनी पार्टी का भ्रष्टाचार ही नहीं खत्म कर रहे। इनको बोलो कि तुम्हारी पार्टी में ये भ्रष्टाचारी है, ये उस पर एक्शन नहीं लेते और दूसरे को निकाल देते हैं। केजरीवाल की एक जिद है, मैं अपनी टीम नहीं छोड़ूंगा, दिल्ली वाली टीम के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। उसका कारण एक ये भी है कि वो टीम के पास इसके काफी भेद हैं, इसके काफी स्टिंग्स हैं केजरीवाल के उस टीम के पास, और ये उनसे डरता है, उनको किसी तरह भी ये निकालेगा नहीं। अब भी वो लोग जो ऑब्जर्वर हैं अब भी पंजाब में हैं और वही सारा कंट्रोल कर रहे हैं, कुग्गी मान वगैरह वो बेचारे तो वैसे ही आगे किए हुए हैं इन्होंने, उनको कोई पूछता ही नहीं। कुग्गी के सारे प्रोग्राम, भगवंत मान के सारे प्रोग्राम अरविंद दुर्गेश पाठक डिसाइड करता है, अरे भाई आज तुम वहां चले जाओ, कल तुम वहां चले जाना, सारे वो बना के देता है वहां बैठ। मैं सारे सबूत जल्दी ही जनतक करूंगा ताकि पंजाब के लोगों को सच पता लग जाए कि ये पार्टी कैसी है। हम ये चाहते हैं कि इस बार पंजाब के लोगों को मूर्ख नहीं बनने दिया जाएगा, इस बार इनका सच उजागर कर दिया जाएगा। केजरीवाल जी के पास किसी सियासी विरोधी का एक छोटा सा भी सच हाथ आ जाए, उसको पूरे नेशनल न्यूज पे वो उछाल देते हैं, और इस काम के लिए वो पूरे मशहूर हैं और जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में कि ये आदमी, इनका नाम है उसमें। अब हमारे पास केजरीवाल और उसकी टीम का इतना बड़ा सच है, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। दुख की बात तो ये है ना, क्या सच केजरीवाल का अंतिम सच है? हमारे पास सच नहीं है, दूसरे को सच को सच ही नहीं मान रहे वो। ये मेरे को अफसोस है, पंजाब के लोगों को ये बहुत बड़ा भुलेखा है कि केजरीवाल की टीम ईमानदार है। जब मैं बताऊंगा कि टिकटें कैसे बांटी गई, जब मैं बताऊंगा कि इनके ऑब्जर्वर जिनको ये आज तक नहीं निकाल रहे, आज 12 दिसंबर है, वो अप्रैल 2015 के यहाँ आए हुए हैं, उनको निकाल ही नहीं रहे। मैंने बार बार कहा इनको बताया है कि ये, अरे भाई ये काम कर रहे हैं, देखो मैं पंजाब के भले लिए चुप रह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि दूसरी पुरानी रवायती पार्टियां दोबारा आ जाए, आप इनको सुधार लो। वो तो सुधारने की बात ही नहीं है, उनको सुधारने के बजाय आपने देख लिया कि मेरे को निकाल दिया उन्होंने। आज के इस अंक में बस इतना ही। हुशियारपुर और बाकी खबरों को देखने के लिए लॉग इन करें thestellarnews.com पर। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। हुशियारपुर से द स्टेलर न्यूज के लिए संदीप डोगरा की रिपोर्ट।